बच्चों, कल मैं आपको पढ़ा रहा था, आपको याद होगा, अबाउट व्हाट? अबाउट चार्ज। मैंने चार्ज के बारे में बच्चों आपको पढ़ाया था, ठीक है? और चार्ज के बारे में आपको पढ़ा रहा था, उसमें मैंने कुछ कुछ बातें बताया था जो मैं रिपीट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बच्चों, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने क्या बताए थे कि जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एन का, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, एन ई, है ना? एंड एन क्या है बच्चों, इंटीजर है, और ई का वैल्यू 1.6 × 10 का पावर क्या आपका -19 कूलम, है ना? चार्ज दो टाइप का होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और या फिर क्या निगेटिव चार्ज, जिसमें फर्स्ट अगर हम बात करें फोर्स का, फोर्स का तो हमने बताया कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लेंगे या निगेटिव निगेटिव चार्ज लेंगे, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा बच्चों? रिपल्सन फोर्स, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा। एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू बाय क्या आपका R²। अगर अपोजिट साइन का चार्ज लेंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस, ठीक है, तो लगाएंगे एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू बाय क्या आपका R²। निगेटिव नेट क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? निगेटिव, है ना? फोर्स नेट क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। सो चूंकि निगेटिव आ रहा है फोर्स, इसके वजह से यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन। देखो, जब भी फोर्स हम कंपेयर करेंगे तो मैग्नीट्यूड से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स की तरह माइनस को ट्रीट आप नहीं करोगे। प्लस माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा कि अगर कहीं प्लस साइन आ रहा है तो मतलब वो रिपल्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर माइनस साइन आ रहा है तो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों, अब मैं आता हूं एनर्जी पे, जिसमें मैं बात कर रहा था पोटेंशियल एनर्जी पे बच्चों, ठीक है? के क्यू वन क्यू टू बाय क्या आपका R, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, तो मेरी बात को जरा गौर से सुने। जैसे प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे आप? के क्यू वन क्यू टू बाय क्या आपका R, और ये प्लस साइन आएगा, पॉजिटिव साइन। सीधा बात समझ लेना बच्चों, फोर्स में और एनर्जी में ये डिफरेंस है कि फोर्स का कंपैरिजन सिर्फ मैग्नीट्यूड से होगा, लेकिन एनर्जी का कंपैरिजन साइन के साथ करना पड़ेगा एज ए मैथमेटिक्स। मतलब कहीं -3 आया और -2 आया, बोलेगा कौन सा एनर्जी ज्यादा है, तो क्या बोलिएगा? -2, ठीक है? क्योंकि ये एनर्जी का बात कर रहा है। -3 एनर्जी क्या है? कम है, -3 जूल और -2 जूल। ओके बच्चों, ये चीज यहाँ पे याद रखना, ठीक है? अब अगर पॉजिटिव साइन के साथ जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? उतना ज्यादा। मतलब आर अगर कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ने पर स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों? कम होगा। ये चीज मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट कंडीशन आप जरा देखिए, अगर प्लस और माइनस लेते हैं या माइनस और प्लस लेते हैं, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है के क्यू वन क्यू टू बाय क्या हो जाएगा R, जो कि माइनस साइन के साथ आएगा बच्चों। अब देखो, R जितना बढ़ाओगे मैग्नीट्यूड उतना कम होगा, और मैग्नीट्यूड जितना कम होगा, अब चूंकि यहाँ पे माइनस साइन आने वाला है तो उसका नेट वैल्यू उतना क्या होगा? ज्यादा। तो बच्चों, आर इंक्रीज होने पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज, एंड स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों? डिक्रीज। क्या आपको ये बात समझ में आया? देखिए, दो अपोजिट नेचर का हम चार्ज लेने वाले हैं, एक पॉजिटिव लेने वाले, दूसरा निगेटिव लेने वाले हैं। तो ड्यू टू पॉजिटिव और निगेटिव नेचर, नेट आउटपुट आपको बाहर क्या मिलने वाला है बच्चों? निगेटिव साइन मिलने वाला है। ओके, अब ये जो निगेटिव साइन मिलने वाला है तो वो क्या हम लोग मैथ की तरह उसको ट्रीट करने वाले, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका एनर्जी उतना कम, और जितना मैग्नीट्यूड कम एनर्जी उतना ज्यादा। तो देखो, आर का वैल्यू जितना बड़ा रखोगे आप, नेट वैल्यू उतना क्या होगा? कम होगा। नेट वैल्यू जितना कम, चूंकि माइनस साइन है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। ये चीज आप याद रखना, इफ आर डिक्रीजेज, देखो अगर आर कम करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और इसको मैथमेटिक्स की तरह ट्रीट करना है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा बच्चों? इसका डिक्रीजेज। आर डिक्रीजेस देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस।
ओके बच्चों, तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। यहां तक मैंने जो भी बातें थी वो मैंने आपको बच्चों बता दिया। अब देखो कंडीशन ये है कि अगर कोई चार्ज को रखा गया है एक पोटेंशियल में, जहां का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो वहां का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सीधा याद रखना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? क्यू इंटू बी। ठीक है, मान लो एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट, ओके, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यहां पे कोई चार्ज रखा गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों? क्यू इंटू बी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू बी इफ इफ इलेक्ट्रॉन, तो क्यू का वैल्यू क्या लेंगे बच्चों? माइनस ऑफ ई, पुट कर दो यहाँ पे। अब हमें तो पता है वहां की माइनस साइन आने वाला है, तू तो पता ही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? उसका ई बी। ठीक है, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे एक बात बताता हूं मैं आपको, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस बच्चों देखो जरा, देखो एक्चुअली न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होता है जेड के बराबर, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज है। तो बच्चों इसको भी हम लोग इसको प्लस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको माइनस ई से। अगर यहां पे रखें हम चार्ज ऑन न्यूक्लियस तो क्या हो जाएगा बच्चों? जेड ई प्लस साइन के साथ, ओके। एक प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड चार्ज होगा ई के बराबर, जेड प्रोटॉन का चार्ज होगा जेड ई के बराबर। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर जेड है तो प्रोटॉन जेड है, तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या होगा? जेड टाइम्स ई। ओके बच्चों, अभी जैसे बोल रहा है कि हीलियम न्यूक्लियस है 2 और 4, इसमें Z क्या है? दिया है 2 दिया है, Z का वैल्यू 2 दिया हुआ है। अब अगर Z का वैल्यू 2 दिया है मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, है ना, तो कितना चार्ज होगा? चार्ज इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या आपका E, वैल्यू क्या होगा? 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये आ रहा है आपका पॉजिटिव साइन के साथ, कहां पे बच्चों? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं आपको कुछ चीज पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक का नाम है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखेगा, बट ये सॉल्व नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ही ट्रिकी होता है ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया होता है। अभी कैसा होता है बच्चों कि मान लो यहां पे कोई न्यूक्लियस रखा हुआ है, कोई भी एटम रखेंगे तो उसका न्यूक्लियस तो होगा, और उस न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। कितने यूनिट चार्ज होगा बताओ? तो जेड यूनिट, जेड टाइम ई। अगर हीलियम है तो 2e, कॉपर है तो 29e, सोडियम है तो 11e, मैग्नीशियम है तो 12e। कुछ भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, बस यहां पे क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस, ठीक है, और ये न्यूक्लियस से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, एट इन्फिनिटी डिस्टेंस रखा हुआ अल्फा पार्टिकल। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल इज व्हाट? इन्फिनिटी, इसलिए इसका नाम दे रहे हम आर इन्फिनिटी। अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड आउट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब अप्रोच कौन है यहां का? अल्फा पार्टिकल है, ओके, अप्रोच कौन है बच्चों? अल्फा पार्टिकल है। अब उसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। जैसे देखो ये चलना स्टार्ट करेगा इधर इस तरीके से टुवर्ड्स क्या आपका न्यूक्लियस, इस तरीके से पास जा रहा है। अब एक चीज आप देखिए, इस अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एच ई प्लस 2 न्यूक्लियस, मतलब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। जैसे जैसे पास में जाएगा इस न्यूक्लियस की वजह से वहां पे क्या होगा बच्चों? रिपल्सन, ठीक है, पास जाएगा, एक टाइम यहां आके मान लो अब ये
रुक गया, अब ये और इससे पास नहीं जा सकता। तो जब ये रुक जाएगा, जब इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू जीरो, मूव करने का जो वेलोसिटी है इसका वो क्या हो गया इक्वल टू जीरो, तो ये स्टॉप हो गया। इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। और इसको हम लोग बच्चों आर नॉट से मान लो रिप्रेजेंट करते हैं। इस आर नॉट का वैल्यू जो फाइंड आउट हम करेंगे किसी भी न्यूक्लियस का यूज करके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या तुम लोगों को मीनिंग समझ में आया, व्हाट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे रिप्लाई करें एक बार, क्या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, देखो सॉरी बच्चों, इधर देखो, फिर बता रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल कहां पे लिया गया, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दिस न्यूक्लियस। जैसे जैसे पास जा रहा है तो यहां पे इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, जितना पास जाएगा रिपल्सन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे आगे एकदम बोला अब बेटा पास से नहीं आने दे, एकदम टच मी नहीं, एकदम हट मी गाने लगा और तेज, तो एकदम ऐसे रुक गया। यहाँ पे इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज व्हाट, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। अब बेटा ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं। पहले तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी और निकालेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, जब ये इनफिनिटी डिस्टेंस पे है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आप निकालेंगे के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, तो ये आर टेंस टू इनफिनिटी, फोर्स क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो देखिए, अगर मैं ये वाला जो हाथ है इधर मूव कर रहा है और कोई फोर्स नहीं लगा तो अपने आप बड़ा फास्ट मूव करेगा, लेकिन जैसे ही रिपल्सिव फोर्स लगेगा बच्चों ऑटोमेटिक वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, समझ रहे हो? तो यहां पे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, मैक्सिमम, सॉरी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज व्हाट, मैक्सिमम। क्या तुम समझ पा रहे हो बच्चों क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि अभी ये रिपल्सिव फोर्स इसका क्या है, इस पॉइंट पे जीरो, अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो फ्रीली मूव करेगा, लेकिन जैसे फोर्स लगेगा धीरे धीरे मूव करने का स्पीड डिक्रीज होता जाएगा। मतलब बच्चों, अब अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल क्या होगा, हाफ एम ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू बी स्क्वायर, और ये वेलोसिटी कौन सा बच्चों, मैक्सिमम, या ऐसे लिखो बी इंफिनिटी, ठीक है बच्चों, हाफ एम बी स्क्वायर। इस पॉइंट का नाम दिया मान लो पॉइंट वन, तो पॉइंट वन पे अगर हम निकाल रहे, आ गया काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी वन का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, बच्चों आर टेंस टू इनफिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का क्या होगा, जीरो, ठीक है। मान लो हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं, सेकेंड पॉइंट पे, यहां से मान लो इसका डिस्टेंस जो है आर टू है, ठीक है, और यहाँ का वेलोसिटी वी टू है, बट आपको पता रखना पड़ेगा कि भाई इसका जो वेलोसिटी है इस पॉइंट का v2, वो v2 लेस देन है क्या आपका v1, v2 तो लेस देन होगा v1। ये हम कैसे लिखे बच्चों, क्या आपको समझ में आया, why v2 लेस देन v1 समझ में आया आप लोगों को? हाँ, क्योंकि जितना पास जा रहा है उतना उस पर फोर्स लग रहा है। अब देखो यहां पे लगाएंगे एट पॉइंट टू काइनेटिक एनर्जी टू बोल दो इसको, तो क्या जाएगा आपका हाफ एम ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू भी टू का स्क्वायर, एंड यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, नो भी टू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने भी अभी इसको स्टॉपिंग पॉइंट पे लेके नहीं गया ना, इस पॉइंट को स्टॉपिंग पॉइंट बोले ना, जहां पे रुक रहा है। आप अगर डायरेक्ट ले सकते हैं कि हम इस पॉइंट का निकाल रहे हैं, हम पॉइंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम इसका नाम दिए पॉइंट थ्री। अब अगर आप पॉइंट नाम देंगे टू तो वहां का भी आप जीरो ले सकते हैं, लेकिन ऐसे अभी हम जो अर्जुन के उसके हिसाब से नहीं ले सकते,
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू वन क्यू टू बाय क्या आपका आर टू, ठीक है। देखो अब एक चीज देखिए, यहां देखो जरा ध्यान से, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये न्यूक्लियस का चार्ज भी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ही होता है। तो देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है ना, तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, मतलब अगर आप बात करें तो जैसे जैसे पास जा रहा है, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड अब धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, इसका बढ़ रहा है, और तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है इसका इंक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो। अब हम जाते हैं एट पॉइंट थर्ड, पॉइंट थ्री पे जाते हैं बच्चों, यहां पे भी जो है क्या आपका जीरो है, और आर जो है क्या आपका आर टेंस टू आर नॉट, जो कि एक मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। हमें लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बच्चों, जीरो, क्योंकि रेस्ट पे चला गया इलेक्ट्रॉन पॉइंट थ्री पे, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा कि एक क्यू वन क्यू टू बाय क्या बच्चों आर नॉट, समझ गए। अब अगर एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल देते क्या हो जाएगा के क्यू वन का वैल्यू क्या टू टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और क्यू टू का वैल्यू क्या आपका जेड टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय आर नॉट, उसको लिख सकते हैं बच्चों टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर नॉट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट थर्ड, एंड यहां का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बच्चों जेड जेड ई और वही टू टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर टू। अब बच्चों एक चीज आप सुन लो, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि एनर्जी ऑलवेज क्या होगा कंजर्व रहेगा, है ना, तो टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या बच्चों कंजर्व, विच इज इक्वल टू क्या पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या आपका काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक कम हो रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो काइनेटिक बढ़ेगा। अभी इस चीज में आप देखो बच्चों, यहाँ पे काइनेटिक का वैल्यू मैक्सिमम था, पोटेंशियल का वैल्यू जीरो था, जैसे जैसे पास जा रहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे आप आ गए, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा बच्चों इस पॉइंट पे मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि आप देखो मैंने भी बताया था ना कि जब हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाय आर, और उसमें दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो डिस्टेंस जितना मिनिमम उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, और मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा बच्चों उतना ही वहां का क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट वन लिखे तो यहाँ पे लिखेंगे पीई वन एंड पीई टू, तो बच्चों सॉरी के ई वन एंड पी वन, तो पी वन तो जीरो है, के ई वन क्या लिखेंगे यहाँ पे हाफ एम वी वन का स्क्वायर, जो कि ये वैल्यू मैक्सिमम है, और यही हो गया बच्चों किसके बराबर टोटल एनर्जी के बराबर, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल जीरो है। इसके बाद जरा आगे देखें आप गौर से देखना बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट टू, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पॉइंट टू का कितना बच्चों हाफ एम वी टू का स्क्वायर एंड पोटेंशियल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर टू, ओके माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर आ जाओ टोटल एनर्जी एट पॉइंट थ्री क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो टेंस टू जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर नॉट, और इसी आर नॉट को क्या बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब हम ये कंसेप्ट लगा देंगे कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट वन टी एट पॉइंट वन इज इक्वल टू टी एट पॉइंट टू इज इक्वल टू टी एट पॉइंट थ्री डॉट डॉट डॉट, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाएंगे टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमने बताया, यहाँ पे आ गया था टोटल एनर्जी वन में क्या था हाफ एम ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एंड टोटल एनर्जी थ्री, मतलब हम टी वन इक्वल टू कर रहे हैं टी थ्री, है ना बच्चों, जिसमें ये वाला तो गिव है नहीं रहेगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो पता ही है। अब यहां लिखेंगे टू टाइम के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट, ये आर नॉट क्या है बच्चों क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, के का वैल्यू पता है, जेड पता है, ई पता है, कौन सा वहां पे एटम को आपने रखा है उसके हिसाब से जेड आ जाएगा, यहां से आर नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय क्या जाएगा वन बाय टू एम ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी वन का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों आर नॉट इज इक्वल टू फोर टाइम के
जेड ई स्क्वायर बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू भी वन का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला या फिर याद रख सकते हो, या फिर बच्चों आपको जो कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट को आप याद रख सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बच्चों क्या आपको ये बात पूरा समझ में आया या नहीं आया, गिव मी आंसर प्लीज, ठीक है। लेकिन एक बात तो समझ में ले रख लेना फिट करके दिमाग में, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों, उसका कम होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जैसे जा रहे तो वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी कम होगा बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। ओके बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज, क्या आप कुछ ये नया सीखे, क्या आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच निकालना आ गया? अब आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में कैलकुलेट कर लेंगे क्या? बताओ बच्चों, क्या आप कर लोगे? चलिए अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं बच्चों, जरा इसको सॉल्व करो। वैसे तो मैं ही करूंगा, बट आप जरा देखो यहाँ पे बच्चों, ये हमने ले लिया कॉपर, कॉपर का न्यूक्लियस है, ठीक है, ओके कॉपर, और यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपको दो ही पॉइंट का यूज पड़ रहा है ना, एक ये पॉइंट चाहिए एक ये पॉइंट, जो भी दिया रहेगा डाटा उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये है इसका आर नॉट बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस टू अप्रोच। अब कंडीशन देखो जरा, यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है इधर, बोल रहा फाइंड आउट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वैल्यू ऑफ आर नॉट, है ना, और इनिशियल जो वेलोसिटी है वी वन यहाँ का फर्स्ट पॉइंट का, इस पॉइंट का, वो दे रखा है आपको 2×10⁵ मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट का, फाइंड आउट आर नॉट। तो सीधा सा लगा देंगे, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू 2×10⁵ का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू वन, क्यू वन का वैल्यू बच्चों जेड ई, जेड ई से क्या होता है 29 टाइम ई, और अल्फा पार्टिकल का इलेक्ट 2e डिवाइड बाय आर नॉट, यहां से आ गया बच्चों आर नॉट इज इक्वल टू 4 के 29 ई स्क्वायर डिवाइड बाय ये फॉर्मूला आ गया, इसको आप पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ओके बच्चों, बच्चों ओके, बता दो क्लियर है सबको, कैसे आया समझ में आ रहा है? अरे यहां से टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और यहां पे किसके बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, दोनों को इक्वेट कर देंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, देखो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज क्या होता है बच्चों, इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों सनलाइट, ठीक है, जो ट्रेवल करे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। बच्चों ये एक ऑक्सिलेटिंग वेव है, वेव जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे से, ठीक है, यानी कि वेव तो काफी तरह की होते हैं, पर हम यहां जो वेव पढ़ने वाले हैं उस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो ये हमने ले लिया क्या,
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये देखो वेब हो चल रहा है, ऑक्सिलेटिंग वेब, ठीक है। अब मान लो ये वाई है, तो वाई और जेड के बीच में एंगल क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री का। तो वाई एक्सिस के अराउंड मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर उससे, उसके अराउंड क्या आ जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है परपेंडिकुलर टू इच अदर। ऐसे वेव को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे वेव को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। जिसमें ये जो हाइट है पहाड़ी का हाइट फ्रॉम बेस, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं बच्चों क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉफ। जो मिनिमम पॉइंट एकदम नीचे जा, कितना नीचे जा सकते हो उसको ट्रॉफ बोल रहे हैं, और मैक्सिमम पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, क्रेस्ट। एंड यहां से इसका जो हाइट है ये एम्पलीट्यूड हो गया। ओके बच्चों समझ गए, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बच्चों नोड बोलते हैं, एंड इस पॉइंट को बोलते हैं एंटी नोड, ठीक है, नोड एंटी नोड, क्लियर है बच्चों। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं, आप जो वेवलेंथ निकालते हो इतना बार 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 वेवलेंथ वेवलेंथ, तो एक बात आप पहले समझ ले, मॉडर्न फिजिक्स जब आप सॉल्व करते हैं बोर मॉडल, वहां बोलता है फाइंड आउट वेवलेंथ, तो बच्चों को पता ही नहीं रहता यार ये वेवलेंथ हम इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं या फोटोन का निकाल रहे, है ना। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा, जरा ध्यान से सुनना बा। सबसे पहले तो बात समझ लो बाबू, वेवलेंथ उसका निकलेगा जो एक वेव होगा, जो एक वेव की तरह ट्रीट करेगा, जो एक वेव की तरह बिहेव करेगा, उसी का वेवलेंथ निकलेगा। एक बात याद रखना, ये जो है ना ये इसको बोलते हैं कंप्लीट वेव, और यहां से यहां का जो लेंथ होगा इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं बच्चों वेवलेंथ, और इसको वेवलेंथ को लेमड़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस तरीके से अगर ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे यहां तक, तो यहां से यहां का जो लेंथ है दिस इज कंप्लीट वेव का लेंथ, मतलब कंप्लीट ऐसा होना चाहिए। देखो यहां से ये पोर्शन कम है, इधर हमने इतना एक्स्ट्रा ले लिया है ना, कुल मिला के यही तो है, यहां से यहां का जो लेंथ है क्या कहलाएगा, वेव लेंथ। नोड ये वाला पॉइंट, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका वेव लेंथ, क्या समझ में आ गया बच्चों आपको, गिव मी आंसर प्लीज। वेवलेंथ क्या होता है समझ में आ गया, कंप्लीट वेव का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है कंप्लीट, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। अब देखो लेंथ मेजर कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। बट बच्चों यहाँ पे जो वेव हम लोग मेजर करते हैं ना, वो एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं, और एंगस्ट्रम भी एक यूनिट है लेंथ का ही, है ना, आपको पता ही होगा। अब एक बात बता दूं, ये वेव ऐसे बनते जो हम लोग देख नहीं सकते, नेकेड आई से देख ही नहीं पाओगे यार वेव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद था बच्चों फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से और न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाई ये फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बच्चों मान लो ये एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू एक सेकेंड में कितने वेव पास करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड इज नॉन एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लो कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय क्या, लेमड़ा, क्योंकि हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है इसका स्पीड किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो यहां से सी बाय लेमड़ा आ गया। तो देखो सी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट क्या है बच्चों, मीटर, मीटर मीटर का कल्याण हो गया, यहां पे क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स, ठीक है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया सी बाय लेमड़ा, ओके, एंड यूनिट आ गया सेकेंड इनवर्स। इस सेकेंड इनवर्स को बच्चों लोग पर साइकिल पर सेकेंड बोलते हैं, साइकिल पर सेकेंड, या फिर बच्चों इसको हर्ट्ज के नाम से जानते हैं, हर्ट्ज,
जिसको एच टी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज आप याद रखना। ठीक है बच्चों, वेयर सी इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, माय मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये जो क्लासेस है वैकेशन के टाइम पे, वो कोई कंपलसरी क्लास नहीं है। एक बच्चा भी अगर ज्वाइन करेगा, मैं उसको इसी एनर्जी से पढ़ाऊंगा, ये वादा रहा मेरा। ठीक है, हाँ क्लास बंद नहीं करोगे, मत बोलो कि बंद कर दो, कोई कंपलसरी नहीं है। जिसको ज्वाइन करना करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। वेब नंबर, यहाँ पे ये मत बोलना हम तो डूबेंगे सन, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा नहीं। हम नहीं पढ़ रहे तो किसी को नहीं पढ़ने देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वेब नंबर, अब जरा देखो, वेब नंबर को ऐसा फ्रीक्वेंसी के पावर में एक बार लगा देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेब नंबर हो गया। वेब नंबर होता है बच्चों कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, मान लो ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितने वेब बन रहे, नंबर ऑफ वेब इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, इसी को हम लोग बोलेंगे वेब नंबर। इसका डेफिनेशन होता है कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेब पर यूनिट डिस्टेंस, दैट इज 1 सेंटीमीटर। और इसका होता है फॉर्मूला बच्चों, वेब नंबर इज इक्वल टू 1/λ। इसका यूनिट भी अगर आप बात करें, ठीक है, इसमें जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में, या जो भी कंडीशन है। तो बच्चों यहां तक तीन फॉर्मूला आपने सीखा है, एक तो पहले वेवलेंथ सीखा, दूसरा फ्रीक्वेंसी,